सो सर, एक बात मेरे को बताइए कि प्योर ईवी जो गाड़ी है वो आपको कितने की पड़ी थी? क्या यहाँ पर आपकी अभी तक सेविंग क्या हो चुकी है? प्योर ईवी एक ऐसी कंपनी गाइस जहाँ पर जो है रेंज, बैटरी और सर्विस में काफ़ी इशू आते हैं, ऐसे काफ़ी सारे कस्टमर बोलते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले टीचर से हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं, जो कि डेली इनकी जो 70-80 किलोमीटर रनिंग हो जाती है और मेनली जो इन्होंने 15,000+ किलोमीटर रनिंग कर चुके हैं। ये गाड़ी मैंने 1,04,000 में ली थी। गाड़ी 4 जुलाई को लॉन्च हुई आशोलापुर में, और मैंने गाड़ी 15 अगस्त को ली है, भारत के स्वतंत्र दिन के शुभ मुहूर्त पे लिए। क्योंकि इससे मेरे को अच्छा ऐसा लगता है कि अपना कुछ तो योगदान देना पड़ेगा अपने समाज के लिए, कि पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो इस सोच के वजह से मैंने ये गाड़ी ले ली है। तो अभी तक तो 6-7 महीने हो गए गाड़ी लेके। और अभी तो तक मतलब कितनी सेविंग वगैरह की होगी? हाँ, पर मंथ आप कितनी सेव कर रहे हो? मेरा जो ओल्ड पेट्रोल वाला गाड़ी था तो उसको मेरा 5,000 का पेट्रोल जा रहा था, तो अभी इस गाड़ी में खाली 500 का लाइट बिल जा रहा है मेरा। तो एक यूनिट बैटरी जब चार्जिंग करते 5 से 6 घंटे, तो 3 यूनिट का खर्चा खाली 21 रुपये में आप 110 किलोमीटर जाता है। कंपनी हालांकि 120 देती है, लेकिन मेरे को अभी तक 110 किलोमीटर का एवरेज मिला है। 110 किलोमीटर तक जाती है पूरे, मतलब सेटिस्फेक्शन है? और मतलब प्योर ईवी आपने क्यों ली, ऐसा कुछ पॉइंट है प्योर ईवी के में? प्योर ईवी लेने का एक बहुत ही खास बात है कि ये कंपनी की जो बैटरी है वो खुद की पेटेंट बैटरी है, खुद की इंडियन पेटेंट बैटरी है। मैंने अलग अलग कंपनी में जाके पूछताछ की, इंक्वायरी की कि क्या गाड़ी है, कैसी है, तो उनके दूसरे कंपनी के साथ टाइप है बैटरी का, लेकिन ये ऐसी एक कंपनी है कि उनकी खुद की बैटरी है। अगर कुछ बैटरी का प्रॉब्लम आ गया तो वो खुद सॉल्यूशन फटक से दे देंगे, इसलिए मैंने बैटरी। और आपका मतलब क्या वर्क क्या रहता है मेनली आपका इस स्कूटर के साथ? मैं स्कूल टीचर हूँ, और स्कूल टीचर स्कूल को जाना आना एक 70-80 किलोमीटर जाना, 40 आना 40। भाई का मेडिकल बिजनेस है, उसके लिए भी ये गाड़ी अच्छी है। अच्छा। तो इतना सेविंग हो रहा है। इफ़ेक्टिवली ये गाड़ी मेरे को 15,000 में पड़ी। तो आप बोलेंगे 15,000 में कैसे पड़ी, तो गाड़ी की कीमत 1,04,000 है, तो मैंने 15,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। और जो मेरा पेट्रोल में 5,000 जा रहा था, मैं इधर 5,000 का हफ्ता भर रहा हूँ, तो इफ़ेक्टिवली मेरा 15,000 का गाड़ी मिल गई। अभी तक तो मेरे गाड़ी को कोई प्रॉब्लम नहीं आया, गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारी कंपनियाँ गाड़ी सेल करते, लेकिन इनकी एक अच्छी बात लगी कि ये सेल करने के बाद सर्विस के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, टेक्निकल सपोर्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है, बहुत बढ़िया है उनका। और डीलरशिप की बात करें तो इस गाड़ी के डीलरशिप की सी डीलरशिप मतलब रिस्पांस कैसा है, फीडबैक वगैरह का, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, लेने के बाद कैसा सर्विस मिल रहा है? शोलापुर में समर्थ ऑटो बोल के ये इधर डीलरशिप है, निखिल माळवदे इसके ओनर है। मेरे जैसा ही वो यंग लड़का है, उसका जो एटीट्यूड बोलो, उनका जो नेचर बोलो, फुल्ली हेल्पिंग नेचर है। उनका स्टाफ का भी हेल्पिंग नेचर है। आप कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद क्विकली उसका सॉल्यूशन देते हैं, और सर्विस के बारे में उनके पास उनकी कोई बोले तो कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं है, पूरा 100% वो सर्विस देते हैं। अभी मैं 2 दिन में एक ही बार चार्जिंग करता हूँ, शाम को 7 बजे लगाता हूँ, 11-12 बजे तक फुल चार्ज होता है, फिर नेक्स्ट डे अपना चालू। तो जन बोल रहे थे अभी मत लो, 1.5 साल बाद लो, पहला गाड़ी का फीडबैक देखो कि देखो, लेकिन मैंने स्टडी किया था ऑनलाइन गाड़ी कौन सी कंपनी की है, इंडियन है, हैदराबाद के IMM से थ्रू आई है, उधर का क्या टेक्निक है, इधर का सपोर्ट स्टाफ कैसा है, ये सब स्टडी करने के बाद मैंने गाड़ी लेने का सोचा, और कौन सी गाड़ी लेने का ये भी सोचा, इसलिए मैंने प्योर लिया, और नाम से ही ये प्योर है। और अभी तक खर्चा वगैरह कुछ मोटा खर्चा वगैरह आएगा इलेक्ट्रिक में? नहीं नहीं, 7 महीने हो गए, खाली जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी कोई तो मिरर थोड़ा सा ये हो गया, बाकी कुछ खर्चा नहीं है। जब तो मतलब सर्विस में जो डीलरशिप वाले हैं वो आपको अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम वगैरह है तो खर्चा वगैरह आपका कुछ भी नहीं हुआ है? खर्चा वगैरह कुछ नहीं, 3 महीने में एक बार सर्विसिंग रहती है। अच्छा। 2-3 घंटे में सर्विसिंग करके देते हैं, फिर गाड़ी नहीं लगती है। फिलहाल तो गाड़ी कभी ओल्ड लगने नहीं वाली है, कारण हम इसको कुछ ज़्यादा पेट्रोल जैसे गाड़ी का कुछ रहता ही नहीं है, सिंपल गाड़ी है और सिंपल प्राइस है और बढ़िया रिटर्न है। और किसी को लेना होगा तो क्या बोलोगे, लेना चाहिए या दूसरे कोई? नहीं, नहीं, नहीं। आप एक बात ध्यान में रखो, मराठी में बोलते हैं स्वार्थात परमार्थ, वैसे एक ये गाड़ी लेने के बाद आपका पैसा भी सेविंग हो जाएगा, मनी सेविंग हो जाएगा, और दूसरा हमारे देश के लिए जो पोल्यूशन बढ़ रहा है
उसमें भी आपका योगदान रहेगा पोल्यूशन कम करने का। तो मेरा सुझाव है कि आप ज़्यादा के ज़्यादा लोग प्योर परचेस करिए। अच्छा, तो दोस्तों ये था कुछ आज का प्योर ई वी का 7G का ओनरशिप रिव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड काफ़ी पॉइंट हमने कवर किए एंड जेन्युइन रिव्यू है गाइस, नॉट अ पेड वीडियो वगैरह, जो कि काफ़ी भी यूट्यूबर पेड रिव्यू वगैरह करते हैं प्योर ई वी के, तो पेड रिव्यू नहीं है पूरी तरह से। कम्प्लीटली हमने जो है सोलापुर से हमने वीडियो किया है जो कि प्योर ई वी का न्यू शोरूम ओपन हो चुका है। अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। काफ़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड वेराइटी वगैरह आपको अवेलेबल हो जाए।